हेलो यार, कैसा है सब? एंड वेलकम टू द अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ रिको द लेजेंड ऑफ शेडो हंटर। और इस गेम प्ले में मैंने सबसे ज़्यादा जो कोशिश की है वो है इस गेम को फिगर आउट करना। बहुत सारी चीज़ें हैं यार, समझ में नहीं आ रहा कौन सी चीज़ कैसे यूज़ करनी है और कहाँ यूज़ करनी है, जो आप आगे देखोगे। ओके, इन दोनों को मारने के बाद ना मैंने आसपास घूमा, ये शॉप मुझे दिखी, मुझे लगा कुछ अपग्रेड के लिए कुछ होएगा, लेकिन कुछ भी नहीं था। यहाँ से जो है मुझे उल्टा कुछ क्वेस्ट मिले जो मुझे कंप्लीट करने हैं आगे जाके गेम में। एंड बीइंग क्यूरियस मैं इसके पीछे भी चला गया देखने के लिए कि क्या है वहाँ पे। वेल, वहाँ से कुछ मिला तो नहीं ज़्यादा कुछ, लेकिन एक चीज़ पता चल गई कि इसमें जंप का बटन नहीं है, लेकिन हाँ, आप जैसे आगे का बटन दबाओगे वो ऑटोमेटिक जंप कर जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा। तो चढ़ने के लिए कोई स्पेशल बटन दिया नहीं गया है। ओके, इसको मारने के बाद ना ऊपर टावर वाला बंदा जो है अलर्ट हो गया था जो मेरे पास आ रहा था, तो मैं टावर के ऊपर चढ़ गया। मुझे लगा कि मैं जिस सीढ़ी से चढ़ूंगा उसी सीढ़ी से वो मुझे फॉलो करेगा, और यहाँ पे उसका वेट किया कि जैसे आए मैं उसको मार दूँ, लेकिन नहीं, बंदा पूरा घूम के आना था। और भाई साहब, गन थी उसके पास, और यहाँ मुझे पता चला कि गन वाले को सबसे पहले मारो, साले बहुत ज़्यादा डैमेज देते हैं ये। ओके, यहाँ मैंने देख लिया था नीचे तीन चार बंदे थे, और इसमें से सिर्फ एक अलर्ट हुआ था, तो मैंने उसका यहाँ पे वेट किया, क्योंकि ज़्यादा अंदर गया तो तीन चार लोगों से एक साथ फाइट लेनी होगी। यहाँ एक को मार सकता हूँ मैं आराम से। ओके, ये जो बॉक्स फोड़ा उसमें से मुझे स्मोक बॉम्ब मिला, और बीइंग वेरी क्यूरियस मैंने उसका यही यूज़ कर दिया। देखना चाहता था कि स्मोक बम कैसे काम कर सकता है। भाई, एक सेकंड में गायब हो गया, काहे का स्मोक बम है यार। Yeah.
वेल, यहाँ मैं रास्ता ढूंढ रहा था कि कहाँ जाना है। पहले मुझे लगा इसके अंदर जाना होगा, लेकिन यहाँ पे दरवाज़ा ही नहीं खुला। पता नहीं। फिर मैंने सोचा कि इस पेड़ से कोई पार्कोर करना होगा। आई डोंट नो, निंजा गेम है शायद, पार्कोर तो होगा, लेकिन यहाँ से भी नहीं था कोई रास्ता। ओके, यहाँ तक गेम में, यहाँ तक मैं खुद को एक बहुत बड़ा भारी निंजा समझ रहा था, और मैं इस अटैक को बहुत केयरफुली प्लान कर रहा था। प्रो टिप, सबसे पहले गन वाले को मारो। अब सेकंड आइटम में मैं समझ गया था कि क्या करना है, और इसलिए मैं एकदम प्रो लेवल का गेम प्ले खेला। ये था गन वाला जिसने लास्ट टाइम बहुत डैमेज दिया था। इस गेम में ना मुझे यही चीज़ बहुत पसंद आई, स्नीकी अटैक जो करना होता है ना पीछे से, भाई मज़ा आ गया। Huh.
ओके, तो वहीं आ गया जहां पे मैं मरा था, और इस बार जो है मैं कुछ अलग सा ट्राई करना चाहता था, इसलिए देख रहा था कि दूसरा रास्ता कोई है क्या। तो सामने वाले कमरे में कुछ बॉक्सेस रखे थे, उसके पीछे जो है कोई रास्ता बना हुआ था जो खुलने के लिए 20 मिनट ले रहा था, तो मैं वहां से निकल गया वापस से। कोई रास्ता मिला तो नहीं, और नीचे जो है गन वाला खड़ा था, तो सबसे पहला मारना उसी को था मुझे। टेकिंग एनी डैमेज मैंने ये क्लियर कर दिया, और जहां पे मैं मरा था जो पुराना सामान जहां छुटा था वहीं से मुझे वापस मिल गया। और कमरे में एंटर होने के टाइम ना मैंने ये श्राइन देखा था, तो मुझे लगा यहाँ पे गेम सेव करना कुछ होगा, क्योंकि ज्यादातर स्टोरी बेस्ड गेम में ऐसा कुछ होता है जहाँ पे हम अपनी गेम सेव कर सकते हैं, लेकिन नहीं हुआ, कुछ अपग्रेड भी नहीं हुआ, ना ही कुछ सेव हुआ। लेवल अपग्रेड के ऊपर क्लिक किया लेकिन नहीं हुआ, तो मैं वहाँ से निकल गया। फिर मुझे ऐसा लगा था कि यहाँ पे अगर मैं गेम सेव कर ली तो आगे जाके अगर मैं कहीं मरा तो गेम यहाँ से शुरू होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और भाई साहब, ये कौन सा मॉन्स्टर था पता नहीं, जिसने एक ही ब्लो में मुझे मार दिया यार, और मैं वापस से वहीं आ गया जहां से गेम शुरू की थी। और आज के लिए इतना ही, गुड बाय, टेक केयर, एंड नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कैसी लगी वीडियो, मैं जल्दी नई वीडियो लेके आऊँगा। गुड बाय।